ए, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये जो आप आज मैदान देख रहे हैं, ये एक एफसी का हमारे भाइयों का एक बड़ा अच्छा इकदाम है, जिन्होंने ये एक स्कीट शूटिंग फैसिलिटी यहाँ बनाई है। और उसको स्टार्ट करने से पहले कमांडेंट महसूस स्काउट ने मेरे से बात की थी कि हम इस तरह का एक इवेंट अरेंज कराना चाहते हैं जिस पे तमाम इलाके के मशरान आए, तीनों तहसीलों के मशरान आए और वो आपस में एक दोस्ताना मुकाबला सा करें। तो ये आज इसकी इंशाल्लाह इफ्तिताबी है कि स्कीट शूटिंग जो फैसिलिटी है, जो रेंज है, और इस इफ्तिताह के साथ साथ एक खूबसूरत प्रोग्राम भी मुनक्किद हुआ है जिसमें हमारी तीनों तहसीलों के मशरान इस शूटिंग कंपटीशन में, स्कीट शूटिंग कंपटीशन और लॉन्ग रेंज कंपटीशन में हिस्सा भी ले रहे हैं। मेरा ख्याल है ये एक हेल्दी एक्टिविटी है जो कि होनी चाहिए। आप सबको, हमारे मशरान को, खैबर एजेंसी के जो लोग हैं, जो बासी हैं, वो उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटी है, उनको आना चाहिए। साठ साल बाद इस मुकाबले में, हमने पूरा किया और मैं विनर आया। तो हम तो जब बच्चे थे या जवान थे तो ये सिलसिले चलते थे। जमा होना सबका और सबका मिलके ये अहद करना कि हम अमन में मिलके काम करेंगे और इलाके के अमन के लिए और बेहतरी के लिए सब मिलजुल के काम करेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी साथ देंगे और जहां पाकिस्तान का मफाद आएगा और उसकी हिफाजत करेंगे। मतलब हमें थोड़ा सा सबक हासिल करना चाहिए अमीन साहब से। बहुत
और ऐसी जगह आके मैं वैसे ही खुश और ज्यादा होता हूँ, बिकॉज फौजी काम है ये, फायरिंग कोई छोटा काम नहीं है, एक शौक तो है ही है लेकिन ये एक फौजी लिहाज से भी एक बहुत बड़ा काम है। सो उसके लिए एक बार फिर तमाम लोग जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जो इस तकरीब को, इस मुकाबले को मुनक्कद करने में इन्होंने हिस्सा लिया, सब लोगों के लिए बहुत तारीफ, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही काम हम इंशाल्लाह और करते रहेंगे।